तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 49 की नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 6 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो मिस्टर डाउग थे उन्होंने एंशंट वर्ल्ड पिल का यूज किया था और सर्कुलेशन में चले गए थे। मतलब मिस्टर डाउ के चारों तरफ एक अजीब सा कुकून बन गया था और मिस्टर डाउ उसी कुकून के अंदर रखकर पिल रिवर से बहुत सारी युवान एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे। और 3 महीने बाद लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 3 को ब्रेक थ्रू कर रहा था और उसकी बॉडी के अंदर से निर्वाणा क्लैश हो रहा था। बट अचानक से लिंगडोंग की बॉडी के अंदर वो निर्वाणा डीमन फ्लेम आ चुकी थी। निर्वाणा डीमन फ्लेम लिंगडोंग के अभी कंट्रोल में नहीं थी। ये जो निर्वाणा डीमन फ्लेम थी ना, वो निर्वाणा क्लैश को समझे एक तरह से खा रही थी। बट निर्वाणा फ्लेम लिंगडोंग की बॉडी में थी, जिसके कारण वह लिंगडोंग के इंटरनल ऑर्गन को भी डैमेज कर रही थी। लिंगडोंग की बॉडी में असहनीय दर्द और पीड़ा हो रही थी। लिंगडोंग अपनी पूरी ताकत लगाकर एकदम इस पूरे दर्द और पीड़ा को सहने की कोशिश कर रहा होता है और अचानक से लिंगडोंग की बॉडी में एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो लिंगडोंग था वो निर्वाणा के लेवल 3 तक पहुंच चुका होता है। लिंगडोंग काफी ज्यादा खुश होता है। लिंगडोंग मन ही मन सोचता है, इस यह निर्वाणा डीमन फ्लेम बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसने मुझे इंटरनल रूप से भी बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया। मुझे तुरंत लिंगडोंग तुरंत अपने पास से कुछ हाई लेवल की पिल्स निकालता और उसे खा लेता है। वहां पर लिंगडोंग देखता है कि अभी निर्वाणा डीमन फ्लेम ना कमजोर पड़ी हुई है, क्योंकि निर्वाणा डीमन फ्लेम ने निर्वाणा क्लैश के साथ फाइट किया था। लिंगडोंग मनी मन सोचता है, मेरे लिए काफी ज्यादा बढ़िया मौका है। निर्वाणा डीमन फ्लेम अभी थोड़ी सी कमजोर लग रही है, मुझे अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस निर्वाणा डीमन फ्लेम को अपने काबू में करना चाहिए। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक तुरुप का पत्ता होगा। अगर कोई भी बंदा मुझसे फाइट करना चाहेगा ना, तो एक ही झटके में उसको एकदम जला उला कर राख कर दूंगा। वहां पर लिंगडोंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करने लगता है और उसके पास जो पत्थर का तावीज और डिवॉल्विंग सिंबल वाला टेक्निक नहीं होता है, तुरंत लिंगडोंग इसका यूज करता है। साथ ही साथ एंटीजन फॉर्मेशन का भी यूज करने लगता है। लिंगडोंग निर्वाणा डीमन फ्लेम पर काबू करने की कोशिश कर रहा होता है, बट निर्वाणा डीमन फ्लेम लिंगडोंग की बॉडी में एक एक कतरा तक पहुंच गई थी, जिसके कारण लिंगडोंग उससे सही से काबू नहीं कर पा रहा था। और हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंगडोंग ने काफी ज्यादा मुश्किल से निर्वाणा डीमन फ्लेम को काबू कर लिया होता है। पूरे 10 दिन के अंदर लिंगडोंग को काफी ज्यादा परेशानियां हुई, पर फिर भी उसने निर्वाणा डीमन फ्लेम को काबू कर लिया। और गाइस, जब लिंगडोंग ने निर्वाणा डीमन फ्लेम को काबू किया ना, तो वहां पर 5 अजीब से छल्ले बने थे। अब गाइस ये मुझे नहीं पता, मतलब नॉवेल में लिखा था 5 अजीब से छल्ले बने थे, लेकिन इन छल्लों के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं लिखा था। अब मैं ये कंफर्म नहीं हूँ कि निर्वाणा डीमन फ्लेम 4 छल्लों के रूप में आ गया है या निर्वाणा डीमन फ्लेम के कारण कुछ 4 छल्ले बने हैं। बट लिंगडोंग जब भविष्य में निर्वाणा डीमन फ्लेम या इन छल्लों का यूज करेगा तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। बट ये 4 छल्ले बिना कोई नॉर्मल छल्ले नहीं है, वो भी एक समझिए बहुत ही प्रकार का हिडन ट्रेजर है। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो खड़ा होता है। लिंगडोंग को लगभग यहाँ पर 3.5 महीने हो चुके होते हैं। वो मिस्टर डाउ के कुकून की तरफ देखता है। मिस्टर डाउ का कुकून अभी पिल रिवर से बहुत ही भारी मात्रा में युवान एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वहां पर लिंगडोंग मनी मन सोचता है, सच में मिस्टर डाउ जब एक इंसानी रूप ले रहे हैं तो वह काफी ज्यादा भारी मात्रा में पिल रिवर से युवान एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर मैं मिस्टर डाउ को, मतलब पिल रिवर नहीं होती ना, अब मिस्टर डाउ को मैं अपनी निर्वाणा पिल्स देता तो पक्का ही मेरी सारी निर्वाणा पिल्स भी खत्म हो जाती, पर फिर भी शायद मिस्टर डाउ एक इंसानी रूप नहीं ले पाते। ये तो शुक्र मनाओ यहाँ पर पिल रिवर है, इस पिल रिवर में अरबों खरबों निर्वाणा पिल्स जितनी एनर्जी भरी पड़ी है, पर फिर भी मिस्टर डाउ लगातार 3.5 महीने से इन पूरी युवान एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और एनर्जी की मात्रा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इन 3.5 महीनों में लगता है मिस्टर डाउ ने 100 मिलियन से भी ज्यादा निर्वाणा पिल्स की बराबर युवान एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। बहुत ही ज्यादा डेंजर। वहां पर लिंगडोंग मनी मन सोचता है, अभी भी मेरे पास 2 से 2.5 महीनों का टाइम बचा हुआ है और मेरे पास ये पिल रिवर भी है। मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन करके अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए और अपनी पावर को निर्वाणा के लेवल 3 के एकदम पीक पर पहुंचा देने चाहिए, क्योंकि अभी निर्वाणा रैंकिंग में
ढाई महीने बाकी हैं और निर्वाणा रैंकिंग में पता नहीं कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें डेढ़ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अब टोटल यहाँ पर 5 महीने बीत चुके होते हैं। लिंगडोंग खड़ा होता है और मिस्टर डाउ के कुकून की तरफ देखता है। मिस्टर डाउ का जो कुकून होता है वो बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और वहां पर काफी खतरनाक बवंडर बन रहा होता है। चारों तरफ एक काफी खतरनाक स्ट्रॉन्ग प्रेशर फैलने लगता है। धीरे धीरे मिस्टर डाउ के कुकून पर क्रैक पड़ने लगता है। वहां पर लिंगडोंग मनी सोचता है, लगता है मिस्टर डाउ कुकून से बाहर आने वाले हैं और उन्हें उनकी फिजिकल बॉडी मिलने वाली है। आसपास इतना डेंजर, इतना खतरनाक हवा चलने लगती है जैसे सारी चीजें उड़ जाएंगी और वहां पर ही बहुत ही ज्यादा भयानक प्रेशर फैलने लगता है। वहां पर लिंगडोंग बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में मिस्टर डाउ के कुकून की तरफ देख रहा होता है। मिस्टर डाउ का कुकून अचानक से फटता है और वहां पर से काफी ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा पावरफुल आकृति बाहर निकलती है। ये पूरा बंदा जो बाहर निकला था ना, वो किसी ड्रैगन के समान था, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसकी बॉडी के अंदर से जो पावर निकल रही होती है ना, उस पावर के सामने लिंगडोंग बहुत ही ज्यादा असहाय हो रहा होता है। मतलब मिस्टर डाउ ने जब फिजिकल बॉडी प्राप्त कर लिया था तो वहां पर एक काफी ज्यादा खतरनाक प्रेशर फैला था। यह प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था ना कि लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 3 पर था, पर फिर भी ना वो अपनी जगह से हिलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा होता है। और गाइस, मिस्टर डाउ अपनी आंखें खोलते हैं और लिंगडोंग की तरफ देखते हैं। लिंगडोंग भी मिस्टर डाउ की आंखों में से आंख मिलाता है। और गाइस, यह एक नॉवेल है जिसके कारण मैं आपको मिस्टर डाउ का ना वो फिजिकल रूप तो नहीं दिखा सकता, बट आप समझिए इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा वहां पर डेंजर चीज हुआ था ना कि लिंगडोंग भी शॉक हो गया था। वहां पर जो लिंगडोंग होता है मिस्टर डाउ की आंखों में देख रहा होता है। मिस्टर डाउ की आंखें अचानक से गंभीर हो जाती है और उनकी आंखों से ना बहुत ही खतरनाक तेज लाइट निकलती है। मिस्टर डाउ तुरंत अपने पंच को आगे बढ़ाते हैं और सीधे वह लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लिंगडोंग भी मिस्टर डाउ के इस व्यवहार से काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। लिंगडोंग तो इतना ज्यादा असहाय महसूस कर रहा होता है कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मन ही मन सोचता है, आखिर मिस्टर डाउ को क्या हो गया, वो आखिर मुझ पर क्यों अटैक कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है मिस्टर डाउ होते हैं ना, उनका अटैक जैसे लिंगडोंग पर टकराने वाला होता है वह लिंगडोंग को नहीं लगता, बल्कि लिंगडोंग के पीछे एक पत्थर था, उस पत्थर से जाकर टकराता है। मिस्टर डाउ वहां पर जोर से चिल्लाते हैं, कौन है यहाँ पर, जल्दी से बाहर निकलो। मिस्टर डाउ का अटैक जब पीछे पत्थर से टकरा था ना, तो पूरा पत्थर एकदम चुकना चुकना हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। वहां पर लिंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता और कहता, असंभव, ये कैसे हो सकता है, मेरे पीछे कोई बंदा था बट मुझे इसका एहसास क्यों नहीं हुआ, बट ये कैसे हो सकता है, ये तो विरासत के एक अजब से डायमेंशन है ना, यहाँ पर कोई बंदा कैसे आ सकता है। वहां पर लिंगडोंग पीछे मुड़ता है, जहां पर मिस्टर डाउ का अटैक टकराया होता ना, उसके अंदर से एक बुड्ढा बाहर निकल रहा होता है। यह बुड्ढा काफी ज्यादा मिस्टीरियस होता है। वहां पर लिंगडोंग इस बुड्ढे को देखता है और मन ही मन सोचता है, मुझे ऐसा लगता है कि यह बंदा ना जरूर किसी सुपर सेट का बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर है, क्योंकि यह पूरा एंशिएंट वर्ल्ड कई सारे सुपर सेक्ट मिलकर कंट्रोल करते हैं और इस सुपर सेक्ट में हर कोई बंदा नहीं आ सकता। इस सुपर सेक्ट में केवल डिसाइपल्स को भेजा गया टेस्ट के लिए और यहाँ पर कोई बूढ़ा बंदा है। इसका सीधा मतलब है कि यह बंदा सुपर सेक्ट से, क्योंकि सुपर सेक्ट के एल्डर्स के पास ही यह राइट है कि वो लोग एंशिएंट वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। वह बूढ़ा बंदा भी मिस्टर डाउ की तरफ देखता और कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह बंदा सेलेस्टियल डेमन ट्राइब से है। वहां पर मिस्टर डाउ भी उस बूढ़े की तरफ देखते हैं। वह बूढ़ा मिस्टर डाउ को मतलब थोड़ा सा शांत कराता लिंगडोंग को और कहता है, अरे तुम लोग शांत हो जाओ, मैं तुम लोग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैं तुम लोग की जो विरासत उरासत मिली है ना, मैं वो तुमसे छीनने के लिए नहीं आया था। दरअसल ये जो विरासत वाली जगह थी ना, वो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। मेरे और मेरे कुछ एल्डर्स इस विरासत वाली जगह में कई सालों से एंटर करने की कोशिश कर रहे थे बट वैसा नहीं कर पा रहे थे। और गाइस, ये एल्डर इसलिए एंटर नहीं कर पा रहा था क्योंकि लिंगजी का यह वर्ल्ड था। ये पूरा ग्रीन ड्रैगन सेट पर ना लिंगजी ने पूरा अपना फॉर्मेशन लगाया था और लिंगजी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाता है ये छोटे मोटे एल्डर्स, मतलब ये समझिए एल्डर्स तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है बट लिंगजी के सामने ये बंदा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए लिंगजी द्वारा जो फॉर्मेशन इस विरासत वाली जगह पर लगाया गया था ना, उसमें ये एल्डर्स एंटर नहीं कर पा रहा था। ये एल्डर कितना भी पावरफुल हो, लेकिन वह लिंगजी के बनाए गए इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पा रहा था। और गाइस, लिंगजी के बारे में भूल तो नहीं गए, वो ग्रीन ड्रैगन पर नहीं बैठ कर आया था, मिस्टर डाउ के साथ बात किया था और कहा था हम भविष्य में मिलेंगे और लिंगडोंग को विरासत उरासत भी देकर गया था वही लिंगजी। बट जब लिंगडोंग को विरासत नहीं लिंगजी दे दिया था,
तो यहाँ पर अब इस ग्रीन ड्रैगन सेट में कुछ उतना इम्पोर्टेंट बचा ही नहीं था, तो इसीलिए ना यहाँ पर लिंगजी द्वारा फॉर्मेशन भी खत्म हो गया। और ये जो बूढ़ा बंदा था, जो एल्डर, जो कई सौ मतलब कई बार यहाँ पर आने का ट्राई कर चुका था, वो एक बार और जैसे ट्राई किया होगा तो एंटर कर पाया होगा, क्योंकि ये किसी सुपर सेट का एल्डर होगा, कोई नॉर्मल बंदा तो होगा नहीं। और गाइस, इस बूढ़े बंदे के बारे में हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। तो गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए और आपको एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और वहां पर केवल लिखिए आप सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लिखने के बाद मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूंगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद मैं फिर आपको मार्शल यूनिवर्स की मेन टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपये में पूरा मार्शल यूनिवर्स का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर वो जो बूढ़ा बंदा होता है वो लिंगडंग की तरफ देखता और कहता है, अरे तुम लोग शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया हूँ, तुम समझो मैं बस यहाँ पर घूम रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, दरअसल जो तुम्हारे पीछे जो हेवनली सेलेस्टियल डेमन ट्राइब का बंदा है ना, वो मिस्टर डाउ की बात कर रहा था, उसको इस मतलब ये जो फिजिकल एकदम डेंजर वाली बॉडी नहीं मिली है, इस बॉडी में बाहर लेकर मत चले जाना, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जितने भी सुपर सेक्ट है ना, वह सुपर सेक्ट हेवनली सेलेस्टियल मार्टिन के जितने भी नहीं, मिस्टर डाउ का जो ट्राइब है उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। नफरत का कारण मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बट ये जान लो ना, कुछ ऐसा हुआ था पिछले मतलब बहुत साल पहले कुछ हुआ था, जिसके कारण ना जो सुपर सेक्ट है वो लोग मानते हैं कि उनके जो एंसेस्टर्स एल्डर थे मिस्टर डाउ के ट्राइब द्वारा मार दिया गया था। और गाइस, आपको यहाँ पर कहानी थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप एक बात ध्यान रखिए, केवल आप इतना समझ लीजिए ना, मिस्टर डाउ का जो ट्राइब है उससे सुपर सेक्ट वाले पता नहीं बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं, और उन्हें एक भी बंदा उस ट्राइब का दिखता हुआ मिल गया ना, वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक उस पर अटैक कर देंगे। ये बुढ़ा लिंगडंग से बस ये कह रहा था कि मिस्टर डाउ जब बाहर निकलेंगे ना इस डायमेंशन से, तो वो अपना रूप चेंज कर लेंगे। वहां पर मिस्टर डाउ बोलते हैं, अरे मुझे तो याद भी नहीं मैंने कब सुपर सेक्ट वालों से पंगा लिया और किसको मारा था, ये सुपर उपर सेक्ट बहुत ही ज्यादा, मतलब मिस्टर डाउ का कहने का यह मतलब था कि मैं तो सुपर सेक्ट का नाम भी नहीं सुना था अपने टाइम में, अब ये मेरे ट्राइब वालों ने पंगा ले लिया, लेकिन उस विनाश से मेरे ट्राइब वाले भी बच गए थे क्या। तो गाइस, मिस्टर डाउ प्राचीन आपदा के बारे में बात कर रहे थे जो उनके टाइम में आई थी, जिसके कारण दुनिया के सबसे 9 पावरफुल कल्टीवेटर मारे गए थे, मतलब वो समझिए वो कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा डेंजर थे। मिस्टर डाउ थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और उस बुड्ढे से कहते हैं, यानी तू भी मुझे नुकसान तो पहुंचाने नहीं आया है। वहां पर वो बुड्ढा कहता है, मैं जानता हूं तुम्हारी पावर काफी ज्यादा है, बट तुमने अभी अभी अपनी फिजिकल बॉडी प्राप्त किया है और तुम्हारी पावर अभी बहुत ही ज्यादा कम है, अभी तुमने अपनी 5% पावर भी गेन नहीं किया है, अगर मैं तुम पर अटैक करूंगा तो तुम बच नहीं पाओगे। वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं, तो चलो दो दो हाथ कर लिया जाए। वहां पर लिंगडंग मिस्टर डाउ को शांत कराता है। और गाइस, मिस्टर डाउ ने यहाँ पर एक फिजिकल बॉडी पा लिया, जैसे टाइगर जियावन इंसान नहीं बन चुका है, वैसे मानिए मिस्टर डाउ ने भी अब एक फिजिकल बॉडी पा लिया है, वो लिंगडंग की बॉडी के अंदर नहीं रहते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर जो लिंगडंग होता है वह मिस्टर डाउ को शांत करता और कहता है, मिस्टर डाउ शांत रहे, मामले को एकदम बढ़िया से रफा दफा किया जाए। उसके बाद जो लिंगडंग होता है बुड्ढा से कहता है, सीनियर आपको मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद, मतलब उस बुड्ढी ने लिंगडंग को नहीं बताया कि मिस्टर डाउ अपने ये वाले जो खूब खतरनाक वाली बॉडी है ना, उस बॉडी में बाहर ना निकले, इसके लिए लिंगडंग ने उस बुड्ढे को धन्यवाद बोला था। वह बुड्ढा बोलता है, अरे नहीं नहीं मैं बस यहाँ पर ऐसे घूमने के लिए आया था, वैसे तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड लग रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। वहां पर लिंगडंग उस बुड्ढे की तरफ देखता और कहता, क्या निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग, बट मैंने तो निर्वाणा रैंकिंग के बारे में सुना है। वहां पर वो बुड्ढा हंसने लगता और कहता है, लगता है इस बार निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में जितने भी बंदे पार्टिसिपेट करेंगे उन लोग को एक काफी खतरनाक चैलेंजर मिलने वाला है। वहां पर लिंगडंग उस बुड्ढे से पूछता है, एल्डर एक बात बताइए, निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग क्या होती है। बट अचानक से जैसे वो डायमेंशन ना क्रैक होने लगती है, मतलब ये डायमेंशन का एक टाइम लिमिट था, अब लिंगडंग ने 5 महीने पहले ही विरासत पा लिया था और ये डायमेंशन कितने समय तक रहेगा, इसीलिए डायमेंशन भी अब धीरे धीरे क्रैक होने लगता है। वह बुड्ढा कहता है,
इसके बारे में तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। यह बात बोलकर वहाँ से बुड्ढा गायब हो जाता है। वहाँ पर लिंगडोंग मनीमन सोचता है, मैंने तो केवल निर्वाणा रैंकिंग के बारे में सुना है। गाइस, निर्वाणा रैंकिंग में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड बंदे पार्टिसिपेट करते हैं। अभी निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग आ गया, वहाँ पर लिंगडोंग भी सोचता है आखिर ये क्या है। लिंगडोंग कहता है चलो बाद में देखा जाएगा जब समय आ जाएगा। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाउ से कहता है, मिस्टर डाउ उस बंदे ने सही कहा, आप इस वाली खतरनाक बॉडी में बाहर नहीं जा सकते, आपको अपना रूप चेंज करना होगा। वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं हाँ मैं भी एक इंसानी रूप ले लेता हूँ। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं ना वो अपने आप को एक इंसान के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। और मिस्टर डाउ ने जो रूप लिया था ना वो बहुत ही ज्यादा डेंजर, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर, हैंडसम, एकदम बहुत ही ज्यादा, मतलब समझिए एक हीरो माफिक था। वहाँ पर लिंगडोंग भी मिस्टर डाउ का यह रूप देखकर बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम ज्यादा उनका फैन हो गया था। अगर कोई लड़की होती ना तो पक्का मिस्टर डाउ का एकदम जबरा वाला प्यार में पड़ जाती। वहाँ पर लिंगडोंग भी बोलता है क्या बात है यार मिस्टर डाउ, आप तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल इसमें लग रहे हैं, मतलब आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल लगता है मिस्टर डाउ तो एकदम खतरनाक वाले सलमान भाई लग रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, मैं नेक्स्ट एपिसोड डाल रहा हूँ। अगर आपको जल्दी से जल्दी सारे एपिसोड देखने तो पेड टेलीग्राम चैनल का सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।